नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव। झारखंड की खबर दिखाएंगे आपको, लेकिन इससे पहले सीधे लिए चलते हैं बिहार के पटना में, जहां अधिवेशन भवन में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में स्थापना दिवस पर सीएम नीतीश कुमार बोल रहे हैं। के बारे में हम थोड़ा बताएंगे आप। यहां उपस्थित प्रधान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के माननीय मुख्य सचिव जनाब आमिर सुभानी साहब, जल संसाधन एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल जी, सचिव सूचना जनसंपर्क विभाग श्री अनुपम कुमार जी, इस अवसर पर विभिन्न राज्यों से पधारे प्रतिनिधिगण, प्रधान वैज्ञानिक सीएसआईआर बेंगलोर के डॉक्टर केसी घोड़ा जी, उप निदेशक मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री सौरभ कुमार सिंह जी, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से आए हुए ब्रिगेडियर पीके सिंह जी, उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से आए हुए श्री मेघनाथ बेहरा जी, सहायक प्राध्यापक केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड डॉक्टर किरण जालेव जी, और इस सभागार में उपस्थित एनडीआरएफ एसडीआरएफ के अधिकारीगण, कर्मीगण, सभी विशिष्ट अतिथिगण, यहां उपस्थित छात्र छात्राएं, जीविका दीदियां, प्रशिक्षित तैराक और राजमिस्त्री गण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, बड़ी महत्वपूर्ण बात है और आपदा प्रबंधन कितना आवश्यक है इसके बारे में सब लोगों ने अपनी बात कही। और खैर, उदयकांत मिश्रा जी तो जितना पुराना बात कह रहे थे, तो उनका रिश्ता हमारे साथ है आप लोगों को नहीं ना पता है। 1969 में ये हम और कई लोग जेल में थे। पूरे बिहार के जितने इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग थे, सारे लोगों ने एक साथ आंदोलन किया था, क्योंकि पहले जितने लोग इंजीनियरिंग पास करते थे उनको राज्य सरकार से नौकरी मिलती थी, और उसके बाद ये हो गया था कि सबको नौकरी नहीं मिलेगी। तो उसी समय 69 में हम तो पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, ये तो भागलपुर में थे। पूरे बिहार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र आंदोलन में शामिल हुए थे और सब लोग आकर के पटना में गिरफ्तारी किए थे। तो वहीं पर जब हम लोग जेल के अंदर थे 69 में, तभी इनसे परिचय हुआ, समझ गए ना। तो उसी समय, हालांकि हम पटना में पढ़ते थे, समय का परिचय है। आज समझ लिए 53 साल हो गया। तो इसीलिए स्वाभाविक है कि ये जितना पुराना काम किया हो सबको बात करेंगे, लेकिन एक चीज आप काहे नहीं कहे, आप समझ लीजिए, जो हमारे पूर्व उपाध्यक्ष हैं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के, यहाँ पर आए हुए मुझे देख करके खुशी हुई है, अनिल कुमार सिन्हा जी। देखिए, अनिल कुमार सिन्हा जी को पहला बार हम लोग यहाँ बनाए, और खाली पहला बार यहाँ बनाए, ये जो बोल रहे थे मेरी सब बात आप खाली कह रहे थे कि हम शिक्षा किसी मंत्री थे, जरा इनसे पूछिए, उसी मंत्रालय में ये थे और आपदा को लेकर के जितनी बात हुई थी इसी व्यक्ति ने एक एक चीज का अध्ययन करके और सारा सबसे अच्छे ढंग से, सबसे पहले केंद्र सरकार में कोई अधिकारी ने सबसे अधिक मेहनत किया था मेरे कार्यकाल में, तो इन्होंने किया था। आइए, बिहार ही के रहने वाले, आप समझ लीजिए, यही के रहने वाले थे, वहां थे, अधिकारी थे, और जब इन्होंने इस काम को किया, और उस समय तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में यही चीज था, उस समय कृषि में ही आपदा प्रबंधन नाम का कोई विभाग नहीं था, सब कुछ देखना उन्हीं को था। तो ये जो बता रहे थे, जब भी थे और जहां जहां कुछ हुआ सब जगह जा रहे थे, देख रहे थे,
लेकिन सारी बात जो डिपार्टमेंट के अंदर होता था और जितने बाकी लोग थे सब लोगों ने एक एक चीज के बारे में बताया था। और हम लोगों को बिहार के बारे में भी वहां के कई लोगों ने जानकारी दी थी और ये काम को देख रहे थे, बहुत अच्छा हुआ। और इसको सरकार ने उस समय स्वीकार किया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक होना चाहिए और जल्दी से जल्दी एक आपदा प्रबंधन का अलग होना चाहिए, हम लोग कहते रहे, हो जाना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने कमेटी बना दी, सब कुछ किया, आपदा प्रबंधन का सब काम हो गया, तो उन्हीं के समय पूरा हो गया था। लेकिन था क्या कि पहले ही रिजाइन करके चुनाव हो गया था, मतलब बाहर रह गया, दूसरे लोगों की सरकार आ गई, लेकिन जो पहले का किया हुआ काम था, यह मत समझिए कि नई सरकार ने किया, पहले ही वाली सरकार, श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व वाली जो सरकार थी उसमें समय में जो काम हो गया था वही चीज 2005 में भी इसको लागू किया गया, उस समय 2004 से। तो उसके बाद तो भाई आज आप बोले हमको तो जरा सामने से इनको भी बोल देते, हम लाए एक एक काम को इन्होंने किया, बड़ी खुशी की बात। और जो कुछ भी यहाँ एक एक चीज को लेकर के, और चूंकि वहां हम थे और जब कृषि मंत्री और उसी के सिलसिले में कई जगहों के बारे में जाना पड़ा, देखना पड़ा, और उसी समय जो सब कुछ समझ में आ गया और उसके बाद हुआ कि नहीं साहब इसके लिए एक एक अलग से इंतजाम होना चाहिए, तो इंतजाम के बारे में तय हुआ। बाद में 2005 में तो यहाँ हम लोग आ गए तो उसके लिए सब जगह घूमे और उसके लिए जो कुछ भी करना था 2007 में हम लोगों ने उसको यहीं पर कमेटी उमेटी बना दिया, देर कर रहा था, फिर अंत में तिन्हीं को लाए और सब काम को तेजी से करके हम लोगों ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शुरू करा दिया। और सारा उसी समय सब जगह को देखते हुए 2007 के बारे में भी चर्चा कर रहे थे संजय झा जी कि जो उस समय हुआ था कितने राज्यों में हो गया था, और उसके बाद उसके अगले साल हुआ 5 राज्यों में। तो ये सब काम करते रहे हम लोग और एक एक चीज को देखा, कहीं पर हो जाए यानी इतना ज्यादा वर्षापात के कारण स्थिति खराब हो जाए और दूसरी तरफ की सुखाड़ आ जाए, तो हम लोगों ने बराबर कहा कि दोनों स्थिति को देखना पड़ेगा, सिर्फ एक को नहीं बल्कि दोनों को, और एक एक चीज के बारे में शुरू से। और इसके लिए गांधी मैदान में मीटिंग होती है, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं उदय कांत मिश्रा बाबू, आपको तो कितना बार हम बात करते हैं, तो आपने बहुत अच्छा काम करना है किया है। जो हमारी इच्छा थी कि छात्र छात्राओं को एक एक बात को सिखा दें और एक एक चीज को वो जब जानेगा कि क्या डिफिकल्टी है, कहां भी आपको एक फोटो दिखा रहे थे एक चीज को, तो जब एक एक चीज के बारे में लोगों को समझ में आ जाएगा, जानकारी मिलेगी, तो जो पुराने लोग हैं अब कितने बार बच्चे बच्चियों को जो सीख लेती है अपने घर के लोगों को बता देती है कि इसमें आप सचेत रहिए, लेकिन अभी भी सब नहीं हुआ, अभी भी बहुत सारी चीज है जिसमें बच के रहना चाहिए। उसमें भी लोग कई जगह हो रहे हैं तो हम लोग तो सबको मदद कर ही रहे, लेकिन इसके लिए भी जरूरी है, सिर्फ आपदा पीड़ितों को सहायता देना ही काम नहीं। हम तो जिस दिन से आप उसी दिन से कहें कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का, इसको इन्होंने आपदा प्रभावित लिखवा दिया है, क्योंकि हम पीड़ित बोलते थे पहले बड़े आदमी है तो हम तो आपदा पीड़ित बोलते थे, उसी का आपदा प्रभावित बोलते रहे सब दिन, तो पत्रकार लोग उनको तो याद ही होगा कि हम बोलते रहे कि सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ित। तो ये सोच करके हम लोग जितना सब जगह काम करते रहे और आज भी करते रहते हैं और एक एक चीज का आकलन कराते हैं, एक एक चीज का अध्ययन कराते हैं, और समय के पहले बरसात आने के पहले हर साल हम मीटिंग करते हैं और एक एक चीज हर जिले के लोगों को क्या क्या करना है, 5-6 काम उनको करके तैयार रखना एक एक चीज के लिए, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। ये सब मीटिंग होती है, सब तरह से हम लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोगों को एक एक चीज के बारे में जागरूक करना है वो खुद जरूरी है। आप बच्चे बच्चियों को जीविका देंगे, हमारे जितने शिक्षक हैं सभी लोगों के लिए जरूरी है,
इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के हर जगह लोगों को एक एक चीज के बारे में समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप जो हम देखते हैं अब जो कार्यक्रम होता है 22 तारीख वाला बिहार दिवस के अवसर पर, तो उस दिन सबसे अच्छा कार्यक्रम तो आप ही लोगों का होता है। इस बार भी हम गए देखने, हमसे बड़ा अच्छा है, खूब अच्छा लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, कितना बढ़िया हो रहा है और कितना सब जगह से हो गया है। और केंद्र का और राज्य का दोनों के तरफ से लोग थे। अब केंद्र वाला तो खैर खूब मजबूत रही है, उसी तरह से हमने राज्य में भी तैयार किया है। हाँ, वही एसीआर और राज्य का भी, बिहार का भी, तो उनको भी उसी पैटर्न पर हम लोगों ने इनको कराया। और उसमें जो केंद्र की सरकार थी उन्हीं को हमने कहा था कि भाई यहाँ पर भेजिए, तो वहां से भेजे दिल्ली से, और उसके बाद यहाँ पर भी उनके रहने का भी सब इंतजाम करा दिए, और उसके बाद यहाँ पर भी जो हुआ इनका भी कराए। अब तो जो हमारे एसडीआरएफ है तो इनको तो हम लोग कर रहे हैं कि हम विभिन्न जगहों पर लोगों को रखा जाएगा, खाली यही नहीं और उनकी संख्या बढ़ाइए। हमने कहा कि उनकी और संख्या बढ़ा दीजिए, पूरी संख्या बढ़ाइए ताकि सब जगह लोग मौजूद रहे। और कितना दोनों एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग कितना मेहनत करते हैं साहब, लोगों को बचाते हैं, किस तरह से लोग करते हैं, तो कितना बढ़िया काम लोग करते हैं और किस तरह से लोगों को बचाते हैं। और लोगों को जो बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है, लोग चीजों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये सब भी चीज कुल मिलाकर के काफी अच्छा हो रहा है। और कम से कम अब इसी के आधार पर जब सब लोग जागरूक हो जाएंगे, आपदा की स्थिति जो आती है इससे, चाहे सुखाड़ हो या बाढ़ हो, किसी भी स्थिति में अब जो स्थिति होती है वैसी स्थिति में सब जागरूक रहेंगे और विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती हैं उन पर जागरूक रहेंगे, तो लोग सुरक्षित रहेंगे अधिक से अधिक। तो उसी के लिए ये बहुत बड़ी भारी चीज है। खाली लोगों को राहत देने के लिए नहीं है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यानी लोगों को इसके लिए पूरे तौर पर सब लोगों को अलर्ट कर देना है। क्या श्रीमान कहे, अब कहा हो रहा है, गुड नहीं है, ठीक है, देखा कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं पूछा कर रहा। तो इसका मतलब हम जो बोल रहे हैं वो अच्छा नहीं बोल रहे हैं, लगता है आपको ठीक नहीं लग रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि सब पूरे तौर पर जो अलर्टनेस आ रहा, जागृति आई है लोगों में और नई पीढ़ी के लोगों को सबको आ जाए। और खास करके भाई जो महिला है, जीविका समूह जो हम लोग बनाए हैं, कितना बढ़िया काम करती है जीविका समूह, बताइए अब कैसा कर दिया है, सब एक एक चीज के बारे में जान रहे, कितना बढ़िया काम कर रही है। अब इन सब चीजों के बारे में भी लोगों को बताती रहेगी तो सब जगह पर आज जीविका समूह है तो काम करवे न करती है भाई। अरे उन्हीं लोगों के मांग पर ना हम लोग शराबबंदी लागू कर दिए है, आज तो कुछ हम लोगों के खिलाफ तो उन्हीं लोगों के चलते तो हम सब कुछ किए हुए हैं। जब हम घूमते हैं तो सब जगह उन लोगों को आप पूरे तौर पर अलर्ट रखिए। तो ये सब तरह की बात है। तो यानी आपदा के मामले में जितना काम किया जा रहा है सब तरह से लोगों को और हर तरह से अरे खूब अच्छा काम किया है, खूब। अरे शराबबंदी तो उन्हीं के चलते हुआ, वही तो कह दिया हमने, उसी के लिए तो लागू कर दिए। अब तो इसीलिए तो हमने कह दिया कि उन्होंने तो काफी और एक एक चीज में कोई भी चीज का विकसित विकास का काम, कई चीजों का काम कितना बढ़िया कर रही। तो इसमें भी आपदा के बारे में भी लोगों को बताना कि सब लोग अलर्ट रहिए और सब लोग सजग रहिए ताकि कम से कम लोग पीड़ित हो गए। तो हम लोग तो सबके लिए मदद कर ही रहे हैं और लोगों ने बता दिया, हम लोग छोड़ते नहीं है। अब जान लीजिए, पूछ लीजिए चीफ सेक्रेटरी साहब, इसको कितना बार हम बराबर करते रहते हैं जानकारी। और अभी इस बार जो सुखाड़ बहुत जगह आ गया, तो
तो हमने कहा देर नहीं होना चाहिए, वहां बैठे हुए हैं आपदा प्रबंधन के हमारे जो है। अब आप सोच लीजिए अब क्या हल करें, आपदा प्रबंधन का जिनको हम बनाए हुए सर जी मालूम है जी, पुराना रिश्ता है जी, हम नालंदा के पटना जिला का नालंदा जिला, पटना में मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी का नालंदा जिला। अब लेकिन आप सोच लीजिए तो इस आदमी को हम नालंदे में रखे हुए थे डीएम, और उसके बाद वहां जो काम किया इतना काम करवाए, इसीलिए इनको यहाँ पर काम दिए हुए हैं, आपदा पीड़ित का भी काम इनको हम करवाए कि भाई तेरी इच्छा है, तो इसीलिए इनको भी हमने आपदा के काम में लगाया और पूरे तौर पर काम देते रहे। तब तब लोगों का इन लोगों ने लिस्ट 13 जिला का तैयार करके पूरा 11 जिला का तैयार करके कर लिया, जितने पीड़ित थे सबका जांच करके सब लोगों को अब जो भी मदद कर रही है 3,500 रुपया दिया जा रहा है वो सब हम लोग मदद कर रहे हैं, और उसके अलावे एक एक चीज पर नजर है, बाकी तरह से भी जो कुछ भी होगा वो तो करना ही है। लेकिन जो मैं इसको बार बार कह रहा हूं कि लोगों को जागृत करना ताकि असर कम से कम पड़े, और बाकी जितने हमारे अधिकारी उन सभी अधिकारियों को हर साल हम मीटिंग करके ये कहते रहते हैं एक एक चीज पर नजर रखिए, कहीं भी आपदा की स्थिति आती है और लोग कष्ट में हैं तो उसको दूर करिए। अब आज इनको काहे के लिए एक भी बुलाया गया था, संजय झा जी को भी, आज जो हमारे आपके आपदा के हैं उनको ही हमने जिम्मेदारी दिया हुआ है जल संसाधन का, तो इसको तो देखना है भाई, जल संसाधन की जिम्मेवारी या लघु जल संसाधन की जिम्मेवारी भी बहुत ज्यादा है। अब तो हम लोग सब तरह से लोगों को मदद कर रहे हुए एक अलग बात है, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण, हर घर तक बिजली, ये सब तो अलग बात है, लेकिन इन सब चीजों के अलावे जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो इसी बात की जरूरत है कि आप लोगों को सबके लिए सिंचाई का प्रबंध, हर खेत तक सिंचाई लोगों को पहुंच जाए, यही हम लोगों का है कि हम लोगों को चिंता का सामना न करना पड़े, तो उन सब कामों के लिए है। इसलिए इनको भी हमने कहा कि भाई चलिए जरा आपदा प्रबंधन का काम है तो आपदा प्रबंधन में काम नहीं है, खाली आपदा प्रबंधन में लोगों को मदद करना है, खाली ये सब चीज को भी देखना है ताकि लोगों को कष्ट नहीं हो, कम से कम हो, और पूरा का पूरा लोगों को सहयोग दिया जाए, तो लोगों को पूरे तौर पर जागरूक रखा जाए। तो आज जो कर रहे हैं, और अभी तो आप लोगों का लंबा चलेगा, अब इसमें तो हमारे उदय बाबू तो सब बात करेंगे, आप लोग भी बात करिएगा, बड़ी खुशी होगी, और पूरा खूब अच्छा से जो करके आप लोग पूरी बात करिएगा, और जरा सब लोगों को हमारे अन्य 4-5 जिलों से भी लोग आए और कुछ और जिले के लोग भी आप बता रहे हैं कि वो भी सुन कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो सब लोग अपने अपने अनुभव को भी बताएंगे, और यहां पर हम आपसे आग्रह करेंगे आप जरा सा जरा सुन लो, जो हमारे आप हैं अनिल बाबू, याद रखिए अब आजकल आप दिल्ली में रहते हैं, बड़ा बड़ा काम करते हैं, लेकिन जरा सा हम आपसे आग्रह करेंगे कि जरा बिहार में भी आपदा के लिए जो काम हो रहा है उसमें भी बीच बीच में आकर के जरा सहयोग कीजिए और सब उसके लिए आपसे आग्रह करने आइएगा, और आपकी जो इच्छा होगी हम सरकार की तरफ से आपको उसी स्थान पर लगवा देंगे, चिंता मत करिए, और ये काम करिए तो हम तो आपको भूलेंगे नहीं, हम तो जीवन भर आपको याद रखेंगे। जब हम थे केंद्रीय मंत्री अध्यक्ष चले हमारे थे, जो हमने शुरू में बता दिया, जो आदमी हमने देखा कि उन्होंने कितना मेहनत किया और एक एक चीज की जानकारी रखी, तो हम कभी भूलेंगे नहीं, हमको सब चीज याद रखेगा। तो आप सब लोग इस काम में जुड़े हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन है, और निश्चित रूप से पूरे बिहार के सब लोगों को अधिक से अधिक लोगों को जरूर प्रशिक्षित कर दीजिए ताकि लोग इन सब चीजों के प्रति जागरूक रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको आज के इस अवसर पर मैं विशेष तौर पर
बधाई देता हूं। और आपने आज चर्चा कर लिया कि उसमें पैसे की कमी है, आप बोल रहे थे उसी समय हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कह दिया, अपने जो हमारे प्रधान सचिव और भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी है उनको कह दिया, और विजय कुमार सिन्हा जी जो कि वित्त विभाग के हैं उनको भी कह दिया है कि इसको देख करके आपदा प्रबंधन को और जो जरूरत है सहयोग की, पैसे की,